वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे तीसरे मोटो व्लॉग में स्वागत है। आज के इस मोटो व्लॉग के लिए जो मैंने रूट चुना है वो है मुंबई से खंडाला लोनावला, और अगर शायद मूड हुआ तो आके पावना तक भी मैं जा सकता हूँ। दोस्तों वैसे ये रूट कोई कॉमन कोई खास रूट नहीं है, आप सभी लोग इस रूट पे सैकड़ों बार जा चुके होंगे, मैं भी सैकड़ों बार जा चुका हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब कार लेकर जाते हैं तो मिस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से निकलते हैं और यहाँ तक जाने का जो सबसे ब्यूटीफुल रास्ता है वो पुराना जो खंडाला से होते हुए रास्ता निकलता है। दोस्तों तो बाइक में अगर बाइक पे सवार होकर आपको जाना है लोनावला खंडाला तो आपको इसी पुराने हाईवे को पकड़ना पड़ता है, और वो रास्ता हकीकत में कहीं दोस्तों इतना ब्यूटीफुल है कि वहाँ का सीनिक ब्यूटी देखते ही बनती है। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है बाइक राइड करने के लिए, और वैसे भी आपको पता है कि पिछले वीडियो में जब मैं बाइक राइड करके गया था तो रास्ते में बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक मिला था मुझे, तो आज मेरा मूड था कि मैं ट्रैफिक को पीछे छोड़ते हुए या ट्रैफिक में मुझे जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो एक खाली रास्ता चाहिए था जहाँ पे मैं आराम से बाइक राइड करूँ और सिविक ड्यूटी को एंजॉय करूँ। तो इसलिए दोस्तों मैंने आज का ये रूट जो है खंडाला का रूट इसके लिए खास तौर पे मैंने चुना है, और ये रास्ते में बहुत ही सिविक ड्यूटी है, ठंडी का मौसम है, इस वक्त ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे खास तौर पे ठंडी के मौसम में आपको दूर दूर तक माउंटेन से फॉग दिखने वाला है। सारे वीडियो को मैं कैप्चर करने वाला हूँ दोस्तों, बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। ठीक मेरे सामने स्वच्छ सूर्योदय हुआ और सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, बस ये देख के मैं एकदम पागल सा हो जाता हूँ। मुझे सनराइज और सनसेट से बहुत बहुत प्यार है, और जब भी कभी मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ तो हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सनराइज और सनसेट को जरूर देखूँ। जैसे मुंबई के व्यस्त शेड्यूल में अक्सर इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाती है, लेकिन ट्रैवलिंग पे मैं कभी भी इसे मिस नहीं करता। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है और मुझे बहुत खुशी देता है। दोस्तों वैसे बता दूं कि आज जो तारीख है वो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है आज। आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों ये जीवन में पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि आज के दिन 26 जनवरी के दिन मैं अपने घर से इतनी लॉन्ग राइड के लिए निकला हूँ, और ये वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो अनुभव होने वाला है बहुत ही खूबसूरत अनुभव होने वाला है, क्योंकि आज 26 जनवरी होने की वजह से आज नेशनल हॉलीडे है, तो काफ़ी सारे बाइकर्स रास्ते में मिलने वाले हैं, और आज की ये जर्नी मुझे लगती है बहुत ही एक खूबसूरत जर्नी होने वाली है, और इसको पूरा पूरा कैप्चर करके मैं आपको भी मेरे साथ लिए चल रहा हूँ ताकि आप भी उतना ही एंजॉय करें जितना इस वक्त मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जब कभी भी आप लॉन्ग राइड पे निकले तो अपने बाइक के टायर का प्रेशर जरूर चेक करा लें। मैं जरूरी है, कभी भी मैंने अपने बाइक के दोनों टायर की हवा चेक कराई और हवा बहुत कम थी, तो अभी यहाँ हवा भरने के बाद मैं आगे बढ़ाऊँ। इस वक्त मैं पुराने रोड पर आया गया हूँ, इस हाईवे से ठीक नीचे से होकर जाना पड़ता है, वहाँ से राइट लेके मैं इस पुराने खंडाला वाले रोड पे आ चुका हूँ, और रास्ता बहुत, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दोस्तों ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, तो इस रास्ते पे राइडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, और काफ़ी सारे बाइकर्स आज सुबह मुझे रास्ते में भी दिखे हैं। 26 जनवरी है तो सभी लोगों ने एक बहुत बड़ा फ्लैग जो है अपने बाइक के पीछे लगाया है, और फ्लैग को पीछे लगा के ग्रुप में काफ़ी लोग बाइक राइडिंग कर रहे हैं, तो ये दृश्य भी देख के बहुत ही देशभक्ति वाली फीलिंग आती है और देख के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों।
और रास्ते में मुझे कुछ लोग ऐसे मिले, हालांकि मिले तो उसमें कैमरा ऑन नहीं कर पाया, लेकिन फिर अगर आगे कोई ऐसा दृश्य दिखा कि जहां बाइक पे काफी सारे लोग फ्लैग लगा के राइड करते हुए दिखे कि, तो मैं जरूर उसे शूट करके आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। फिर देखिए बाइकर्स लोग काफी सारे यहाँ पे खड़े हैं मॉर्निंग के नाश्ते के लिए, और काफी लोग यहाँ पे फ्लैग खरीदी कर रहे हैं और फ्लैग लेके फिर बाइक के पीछे कोई बाइक के आगे लगा रहा है। ये भी अपने आप में देशभक्ति का एक अनोखा अंदाज है कि बाइक का फ्लैग लगा के आप फिर उसे पूरे रास्ते में उसे बाइक को चलाइए, तो इसका एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही खुशी महसूस होती है इस चीज में। दोस्तों वैसे आज की राइड पे मुझे राइड का तो ध्यान रखना ही है, बहुत संभाल के राइडिंग करनी है, पर राइड के साथ साथ मुझे अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 20 वर्षों से जिम जाता हूँ, एवरीडे 1.5 से 2 घंटे में वर्कआउट करता हूँ, और 12 महीनों में करीब करीब 10 महीने अपने डाइट को मैं खुद ही मेंटेन रखता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ खाने से, जैसे कि फ्राइड पिज़्ज़ा बर्गर ब्रेड, काफ़ी चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाने का शौकीन नहीं, बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ और फूड लवर हूँ, लेकिन मुझे हेल्थ कॉन्शियस रहना, फिट रहना बहुत अच्छा लगता है। तो करीब करीब 10 महीने में अपने डाइट को बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, और 2 महीने में खाने पीने का मजा भी लेता हूँ। मिठाई से मुझे बहुत प्यार है, और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मेरी बहुत फेवरेट है। मीठा खाने को मुझे दिन में एक बार चाहिए, लेकिन फिर भी मैं डाइट के चक्कर में, अपनी बॉडी के फिटनेस के चक्कर में मीठे का भी बहुत कम खाता हूँ। तो दोस्तों इस बार, लेकिन फिर भी मैं इन सब करके भी मैं इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं था, तो इस बार मैंने प्रोफेशनल डाइटिशियन कम न्यूट्रिशनिस्ट को अपॉइंट किया है, और उनके अंदर मैं अगले 6 महीने के लिए डाइट करने वाला हूँ, और मेरे डाइट ऑलरेडी 4-5 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस राइड पर सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए वो है कि मैं कहीं पर भी ना रुकूँ और ख़राब फूड ना खाऊँ, अनहेल्दी फूड ना खाऊँ, जंक फूड ना खाऊँ। जैसे कि आप तुम्हें बता दूँ कि मेरे मिसल, वड़ा पाव, ये सब बहुत 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 फेवरेट है, और जब कभी भी मैं खंडाला लोनावला जाता हूँ तो मैं खाए बेकर नहीं रह सकता हूँ। स्पेशली बुआ ची मिसल, दादा ची मिसल और श्री दत्त के वड़ा पाव मैं खाता ही खाता हूँ, लेकिन आज के दिन डाइट के चलते मैं ये सब नहीं खा पाऊँगा। और आप पूरे दिन जो मैं फूड खाऊंगा उसमें से काफ़ी सारा फूड तो मैंने अपने साथ अपने टॉप बॉक्स में कैरी किया है, और जो फूड मैं कैरी नहीं कर सका हूँ वो मैं होटल में प्रॉपरली जो मुझे खाना है वही ऑर्डर करके मुझे खाना पड़ेगा। और सबसे महत्व की बात यह होती है डाइट में कि आपको टाइम टू टाइम खाना पड़ता है, जिस वक्त आपको जो खाना है वो खाना है, आप उस टाइम को स्किप नहीं कर सकते हो। और दूसरी महत्व की बात डाइट में ये होती है कि उसका एक प्रमाण होता है, कितने ग्राम्स आपको क्या चीज़ खानी है, सबको प्रॉपरली मेजर करके आपको खाना होता है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है मेरे लिए आज, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा पूरी नहीं, 100% कोशिश करूँगा कि मैं डाइट को चीट नहीं करूँ, क्योंकि अक्सर मैं जो भी काम करता हूँ मैं 100% होता है तो ही करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। तो डाइट के मामले में भी मैं बिल्कुल वैसा हूँ, मैं जिम के मामले में बिल्कुल वैसा हूँ, हर चीज़ में अपना 100% योगदान डालने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए मेरे लिए सबसे महत्व की बात है, सबसे चैलेंजिंग बात जो है अपने डाइट को मेंटेन रखना। और दोस्तों मैं आप सभी से भी कहूँगा कि आप डाइट कीजिए, डाइट का अर्थ ये नहीं है कि भूखा रहना है, डाइट का अर्थ ये है कि आपको रेगुलर जो फूड खाते हो इससे भी आपको ज़्यादा खाने डाइट में मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको क्या खाना है, किस प्रमाण में खाना है और कितने बजे खाना है। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि फिट रहिए, फिट रहोगे तो आप ज़्यादा समय तक, ज़्यादा वर्षों तक जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, घूम फिर सकोगे, अच्छे कपड़े पहन सकोगे, और लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से एक अलग अंदाज में दूसरों से बेहतर जी पाओगे। तो जिम जाइए, डाइट कीजिए, एंजॉय कीजिए। देखिए इस वक्त कैसे सुबह सुबह बाइकर्स अपनी बाइक लेके निकले हैं, और बड़ा मजा आता है जब एक दूसरे को हम लोग हाइक करते हैं बिना जाने पहचाने। बस इस वक्त हमारी दोस्ती जो होती है वो इसी नाम से होती है कि हम दोनों बाइकर्स हैं, राइडर हैं, और दोनों राइड को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा फन है। देखिए 26 जनवरी के इस खास मौके पर, गणतंत्र दिवस पर, कुछ बच्चे साइकिलिंग करते हुए, सारे बच्चों ने अपने साइकिल के आगे फ्लैग लगाया हुआ, बहुत ही अच्छा और देशभक्ति वाली भावना देख के बहुत खुशी मिलती है दोस्तों।
आसपास इस वक्त तीन चार बाइकर्स हैं जिनके पास में है। एक के पास रॉयल इनफील्ड है और आगे एक के पास कावासाकी है और दूसरे की बाइक में इस वक्त देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या ब्रांड की बाइक वो चला रहा है इस वक्त। जो भी बाइक हो दोस्तों, लेकिन राइडिंग का एक मजा आता है। आप बस सुबह सुबह अपने घर से निकलिए और बस राइडिंग का मजा लीजिए, राइडिंग करते रहिए, अपने आप में बहुत फन है। ये दूसरा रॉयल इनफील्ड है, इसका नाम है इंटरसेप्टर, 650 cc का बाइक है। इस बाइक को जब मैंने देखा था तो मुझे लेने का मूड नहीं हुआ इसे, और मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि इस बाइक में जो सीट है बैठने की बहुत ही नैरो है। इस सीट पे बैठकर आप लॉन्ग राइड करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है, तो काफी लोगों ने इस बाइक को लेकर इसके सीट में मॉडिफिकेशन भी करवाया है। मुझे ये बाइक लॉन्ग राइड के लिए समझ में नहीं है, इसलिए मैंने रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर जो है 650 cc की मैंने नहीं ली। तो हो सकता है दूसरों को ये पसंद आए। अच्छा, घाट शुरू हो चुका है और यहाँ पे बहुत ही संभाल के राइड करना है, लेकिन ये दोस्तों रास्ता भी इतना ब्यूटीफुल है कि आप थोड़े स्पीड में भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खास तौर पे जहाँ पे मोड़ आते हैं वहाँ पे आपको संभाल के राइड करना है। और सबसे ज्यादा दोस्तों मैं कहूँ तो मुझे इसी रोड पे बाइक राइडिंग के लिए बहुत मजा आती है। काफी सारे बाइकर्स सामने से भी आ रहे हैं और इस वक्त काफी सारे बाइकर्स जा भी रहे हैं। ये देखिए बहुत शार्प टर्न है, यहाँ पे आपको स्पीड बहुत कम रख के अपने बाइक का संतुलन बनाए रखना है, बहुत शार्प टर्न है ये। ये देखिए दोस्तों आसपास का खूबसूरत नजारा, कितनी ज्यादा सीनिक ब्यूटी है। अगर बारिश के दिनों में आप अगर यहाँ पे आ जाओ तो बस उस वक्त ये देख के आप लिटरली मैं कहूंगा कि पागल हो जाओगे, इतनी ज्यादा सीनिक ब्यूटी इस रास्ते पर रहती है। इसलिए अक्सर दोस्तों मैं एक्सप्रेस हाईवे के से जाने के बजाय कई बार मैं कार से भी इस रोड से निकलता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। बहुत ही शार्प मूड है यहाँ से, ये खूबसूरत नजारा इस वक्त इस ब्रिज के ऊपर से दिख रहा है, हिमाला खंडाला का, और काफी सारे लोग यहाँ पर बाइक रोक के फोटोग्राफी भी करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है, बहुत ही ऊंचाई पे हम आ चुके हैं बाइक राइड करते हुए। चलो इस वक्त मैं भी यहाँ पे एक मिनट का होल्ड लेता हूँ। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दृश्य है, चलिए आज का दिन तो मेरा यहीं पे इसी जगह को देख के पूरा आज की राइड मेरी वसूल हो गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य इस वक्त मैं देख रहा हूँ, पीछे से एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, सामने से भी एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है इस वक्त यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। अक्सर खंडाला के जो पिछले जो पुराने रास्ते से जब आप आते हो लोनावला की तरफ, तो यही एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगा कि मैं हर जगह पे हर 10 मिनट के बाद में और हर 15 मिनट के बाद में अपनी बाइक को रोकूं और मैं नीचे उतरूं और फोटोग्राफ क्लिक करूं। इतनी सीनिक ब्यूटी इस रोड पे है कि वाकई में दोस्तों अगर आप एक बार यहाँ से जाएंगे तो दूसरी बार कभी भी आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जाना पसंद नहीं करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही
खूबसूरत रास्ता है बाइक चलाने के लिए भी, फोटोग्राफी के लिए भी, और बारिश के दिन में दोस्तों रास्ता और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों सिर्फ व्यू देखिए आप यहाँ से, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साइकिलिंग करते हुए भी काफी लोग मुझे रास्ते में मिल रहे हैं, देखो सामने से भी साइकिलिंग करते हुए काफी लोग आ रहे हैं, और यहाँ का व्यू भी आप देखिए कितना खूबसूरत इस वक्त यहाँ पे नजारा है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाइक राइडिंग करूँ कि यहाँ पे बाइक रोक रोक के बार बार फोटोग्राफी करूँ, लेकिन यही तो मजा है, इसी के लिए तो हम संडे को या फिर कोई छुट्टी वाला दिन अपने घर से निकलते हैं। काफी लोग यहाँ पे नीचे भी उतरे हुए और फोटोग्राफी कर रहे हैं। चलिए दो मिनट यहाँ पर भी रुका जाए। काफी सारे लोग सुबह सुबह यहाँ पर साइकिलिंग भी करते हैं, हालांकि लोनावाला खंडाला पे साइकिलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज स्लोप होता है, और स्लोप पे साइकिलिंग करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, लेकिन एक फन भी है उसमें। उससे पिछली बार मैंने भी एक साइकिल ली थी डीकैथलॉन से, करीब करीब 28-30 हज़ार रुपये की वो साइकिल थी, और मैंने साइकिलिंग का बहुत ही मजा लिया था। और अभी भी मैं कभी कभी संडे को जब मैं राइडिंग के मूड में नहीं होता हूँ या कुछ और करने के मूड में होता हूँ, तो मैं अपनी साइकिल को लेकर अपने घर से निर्मल पॉइंट, वालकेश्वर, और वहाँ से होते हुए महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी से होते हुए घर की तरफ आते हैं। करीब करीब 15 से 17 किलोमीटर का पूरा रूट है, तो साइकिलिंग का एक अपना ही मज़ा। और इस लॉकडाउन में कोविड के दरमियान काफ़ी सारे लोगों ने साइकिल नई खरीदी की है। इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग में भी मैंने देखी काफ़ी सारी साइकिल्स नई हुई हैं, यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी बीच में कि साइकिल रखने के लिए बिल्डिंग के प्रमाइसिस में जगह नहीं थी। तो कोविड के दरमियान एक बात अच्छी हुई कि लोगों ने अपने हेल्थ फिटनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने करीब करीब 20-25 किलो इस कोविड के दरमियान छुट्टी जो थी, हॉलीडेज जो थी, ये समझिए आप, तो उसमें उसका पूरा पूरा फायदा उठाया और अपना वजन 20-25 किलो कम किया है। और कुछ लोगों ने सिर्फ फिटनेस मेंटेन करने के लिए भी साइकिलिंग की है, वॉकिंग की है, जॉगिंग की है, तो ये एक अच्छी बात है। इस दो महीने का पूरा पूरा लोगों ने सदुपयोग किया है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि इसे सिर्फ दो महीने के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए अपना एक नियम बना लीजिए। मॉर्निंग को 1-2 घंटे साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी आप कर सको वो आप कीजिए, जो भी आपका शौक हो, लेकिन कीजिए जरूर। आउट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक है, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा दृश्य है ये भी। भी सारे बाइकर्स के घर के जाने का टाइम हो गया, तो सारे बाइकर्स यहाँ पर आई थिंक किसी का वेट करेंगे ग्रुप मेंबर्स का, और यहाँ से निकल के सभी यहाँ से घर जाने वाला सभी को एक ही टाइप का ड्रेस कोड किया हुआ है। बस ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। संडे को जब आप बाहर जाते हो बाइकर्स को देखते हो तो ऐसा लगता है कि बस यही जिंदगी है। आज पूरा दिन मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर, और अब फिर से घर जाने का वक्त आ गया है क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके हैं। वैसे तो मैं बताऊं कि दोस्तों आज मेरा यहाँ तो रुकने का मूड था, नाइट स्टे करने का मूड था, लेकिन क्योंकि 8:30 बजे मुझे एक बर्थडे पार्टी भी अटेंड करनी है, तो मुझे इस वक्त दिल पे पत्थर रख के बड़े ही भारी मन के साथ फिर से एक बार मिलने के लिए निकलना पड़ रहा है। बस आज का दिन इतना कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत था, आज का दिन बहुत ही मैंने इंजॉय किया, आज की राइडिंग बहुत ही बेहतरीन थी, ट्रैफिक मुझे ज़रा भी आते वक्त नहीं मिला, जाते वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक
लोनावाला में रहता हूँ, लेकिन ये 5-10 मिनट का ट्रैफिक रहता है, ज्यादा कोई ट्रैफिक रहता नहीं है। और सुबह आने में भी करीब करीब 2.5 घंटे मुझे लगे थे, और अभी भी करीब करीब 2.5 घंटे का रूट है। यहाँ से 2.5 घंटे राइड करके मुंबई में पहुँच जाऊँगा। और जैसे कि आते टाइम मैंने बहुत इन्जॉय किया, वैसे ही जाने का भी पूरा मजा लेने वाला हूँ। और जितने भी रास्ते में खूबसूरत दृश्य आएंगे मैं कोशिश करूँगा फिर से एक बार उन्हें कैप्चर करूँ, क्योंकि इस वक्त तो सनसेट का टाइम है तो, बट ऑब्वियस सनसेट का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हाईवे से मिलने वाला है, तो कोशिश करूँगा कि मैं उसे भी कैप्चर करूँ और आपको भी वो दिखाऊँ। चलिए आगे चलता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त मेरे सामने। सही भाषा में कहूँ तो लोनावाला की ये चौपाटी कही जाती है। यहाँ पे सारे नाश्ते मिलते हैं, शाम के वक्त लोग यहाँ बैठ के नाश्ता करना और सनसेट को देखना पसंद करते हैं, और फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे यहाँ बैठ के फोटोग्राफी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है, और यकीन मान लीजिए मन तो कर रहा है कि मैं भी यहाँ पर रुकूँ कुछ देर के लिए और सनसेट को इन्जॉय करूँ, लेकिन मुझे जैसा कि मैंने आपसे कहा बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है, तो 8:30 तक मुझे घर पर पहुँचना है, और 3 घंटे की लंबी राइड है यहाँ पर, तो मुझे निकलना पड़ेगा अभी आगे। ये तीसरा खूबसूरत पॉइंट है जहाँ से बैठ के लोग सनसेट को एंजॉय करते हैं, ये मेरे ठीक आगे सामने आने वाला है। और ये मेरे ठीक सामने एक माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए रॉक क्लाइंबिंग है, जहाँ पर लोग थोड़ा सा एडवेंचर कर सकते हैं क्लाइंब करके। और राइट साइड पे जो आप देख रहे हो वहाँ पर बैठ के भी सनसेट का एंजॉय किया जा सकता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पर ऑलरेडी इकट्ठी है, काफ़ी सारे लोग बैठे भी है वहाँ पर इसी दृश्य को एंजॉय करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से इस वक्त का। ये कई बाइकर्स इस वक्त अपनी बाइक को साइड में लगा के दृश्य का एंजॉय लेने के लिए भी सामने जाके खड़े हैं इस वक्त। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है ये। रास्ते के दाहिनी तरफ काफी सारे मंकीज बैठे हुए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ये सब। इस तरफ भी देखिए लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। दोस्तों जब मैंने KTM 390 एडवेंचर बाइक ली थी तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे सामने था वो ये था कि मैं इसमें एक्सेसरीज कौन सी कंपनी के लगाऊं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक सजेशन भी दिया था कि कोई तो एक आदमी है जो कस्टम डिज़ाइन करके KTM की और दूसरे बाइक की एक्सेसरीज बनाता है, तो मैंने उनका यूट्यूब वीडियो देखा, लेकिन यकीन मानो दोस्तों वो देखने के बाद मुझे वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, और मैंने ऑनलाइन गूगल किया मैंने, तो मुझे उसमें जाना के जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही बेहतरीन लगे, और इतने खूबसूरत जाना के प्रोडक्ट्स हैं सर कि मैं आपको क्या बताऊं। सारी चीज़ें मानता हूं कि दूसरे एक्सेसरीज के या दूसरी कंपनियों के एक्सेसरीज के कंपैरिजन में बहुत ही महंगी है, लेकिन वर्थ है। पिछली बार जब मैं वांगरी लेक पे गया था तो फोटोग्राफी करते हुए मैंने बाइक को साइड स्टैंड पे खड़ा किया था और एक फोटो क्लिक करने के लिए पोज दे रहा था बाइक के साथ में, तो बाइक सडनली बैलेंस सरक गया और बाइक गिर गई। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, बाइक के ऊपर एक सिंगल खरोश भी नहीं लगी, और मुद्दे की बात है कि जो मैंने इसमें लेग गार्ड्स लगाए थे आगे की तरफ और दूसरी भी एक्सेसरीज की लगाई थी जिससे कि बाइक डैमेज ना हो, उस एक्सेसरीज को भी कुछ नहीं हुआ। बहुत ही मजबूत एक्सेसरीज है जाना की दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब इतना महंगा बाइक लेते हो तो एक्सेसरीज में आप 2-5 हज़ार अगर एक्स्ट्रा भी लगते हो तो मत सोचो। जब कभी भी कोई भी बाइक लेते हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि जाना के प्रोडक्ट्स को आप चूज़ कीजिए। दूसरी भी काफ़ी कंपनियों के बाइक के लिए जाना एक्सेसरीज बनाती है और KTM के लिए भी बनाती है, तो मैंने ये चूज़ किया है, तो मैंने अपना एक छोटा सा रिव्यू सोचा कि आपको दे दूँ, क्योंकि हर कोई जब बाइक लेता है तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि मैं ये एक्सेसरीज किसकी बाय करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सुझाव आपको हेल्पफुल रहेगा और आप सही दिशा में बड़े और एक्सेसरीज सेलेक्ट करते समय
आप मेरे सुझाव को ध्यान में रखते हुए किसी इसको सिलेक्ट करें। जब मैं वांद्री लेक पे गया था तो वहाँ पे एक जगह पे एक मेरा टेंट लगाते हुए देखा था और उस टेंट में दो लड़के वहाँ पे रुके हुए थे, तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई क्योंकि इस तरह का एडवेंचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कभी कैंपिंग की नहीं है लेकिन मुझे पसंद बहुत है, तो बहुत ही उत्सुकता के कारण मैं उनके पास में गया और उनसे मैंने जानकारी दी कि आप आज रुकने वाले हो कि कल आके रुक चुके थे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग रात को ऑलरेडी आके पूरी रात हमने यहाँ पे कैंपिंग किए, टेंट में रहे और अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में। तो मेरी उत्सुकता बड़ी कि यहाँ पे आपने कैंपिंग की तो कभी कोई प्रॉब्लम आसपास में कोई जानवर या कोई इंसेक्ट्स या लोगों की कोई परेशानी? तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी कोई भी परेशानी कैंपिंग के दरमियान आज तक उन्हें नहीं हुई है, और यहाँ पे नहीं वांद्री लेक पे नहीं बल्कि पूरे इंडिया में वो जब कभी भी कहीं पर घूमने जाते हैं तो वो दोनों किसी बहुत खास दोस्त है, अक्सर साथ में ही जाते हैं और जहाँ तक हो सके 99% उन्होंने हमेशा कैंपिंग ही की है, टेंट का इस्तेमाल किया है और टेंट लगा के ही उन्होंने अपनी रात बिताई है। ये देख के मैं इतना आश्चर्यचकित रह गया और यकीन मानो दोस्तों अगर सही भाषा में कहूँ तो उनको देख के मैं खुद इतना इंस्पायर हुआ हूँ। मुझे लगा अब तक तो ये मेरा ड्रीम ही था लेकिन उनको देख के ये हिम्मत मुझ में आ चुकी है कि अब मैं भी कुछ ऐसा अगला जो एडवेंचर करूँ तो मैं भी बाइकिंग के साथ में मतलब राइडिंग के साथ में कैंपिंग भी करूँ और दोनों को साथ में इंजॉय करूँ। तो उन दोनों लड़कों को मिलने के बाद मैं काफ़ी मेरी हिम्मत खुली है। लेकिन दोस्तों ये कहूँ कि कैंपिंग जितना हम सोचते हैं उतना आसान तो नहीं होता है कैंपिंग। ये पता नहीं क्यों यहाँ से इस वक्त आग लगाई है यहाँ पे, शायद कुछ जलाने के लिए उन्होंने कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, कैंपिंग के लिए बात बताऊँ कि जहाँ पे इस बार वांद्री लेक में गया था तो दो लड़के कैंपिंग कर रहे थे, उनके कैंपिंग खत्म होने के बाद में मतलब टेंट को फिर से निकालने के बाद में फोल्ड करने के बाद जब वो जा चुके थे तो मैं उसी लेक पे खड़ा था और अचानक ही मेरे सामने पानी में मुझे छोटा सा सांप दिखा और बड़ी तेजी से पानी में भाग रहा था यहाँ वहाँ पे। और जब मैं उसे देख रहा था तो देखते ही देखते वो सांप बिल्कुल मेरे बहुत पास आ चुका था और किनारे से बाहर निकला और फिर अचानक पानी में जाके कहीं गायब हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कैंपिंग जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। जितना हम सोचते हैं कि इसमें कोई टेंशन नहीं है, जानवरों का इंसेक्ट का खतरा नहीं है, वैसा बिल्कुल भी जरा नहीं है। खतरा तो हर चीज़ में रहता है, राइडिंग में भी खतरा है, कैंपिंग में भी इंसेक्ट्स का या जानवर का या कोई लोकल लोग आपको परेशान करे या कभी कोई चोर गुंडे आके आपको परेशान करते हो सकता है। लेकिन एडवेंचर के सामने सारे रिस्क लेनी पड़ती है, जिसको एडवेंचर करना होता है वो इन तमाम रिस्कों को मद्देनजर नहीं करता है, इनको शुरुआत से अंत तक इग्नोर कर देता है। हाँ ये बात है कि सेफ्टी के जितने प्रिकॉशन होते हैं वो लेते हैं और मैं भी कहूँगा कि आप भी लीजिए और मैं भी लूँगा, लेता हूँ, लेकिन एडवेंचर कीजिए क्योंकि इसका मज़ा अलग ही है। सोचिए आप रात को अकेले किसी लेक के किनारे पे आप अपने खास दोस्त के साथ में फुल नाइट वहाँ बैठ के म्यूजिक सुन रहे हो, बातें कर रहे हो, सामने लेक को कितना खूबसूरती एहसास है। और इस बार बिल्कुल जो उन दो लड़कों से मिला उनसे उन्हें इस तरह देखते हुए करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मैंने उनसे पूछा भी, देखिए सनसेट हो रहा है इस वक्त, कितना खूबसूरत नज़ारा है मेरे लेफ्ट में। मैंने उनसे पूछा भी कि ये टेंट आपने कहाँ से लिया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो टेंट उन्होंने लिया था करीब 3,500 में बीग कैथलॉन से लिया था और 3 लोगों के कैपेसिटी का यह टेंट था, टेंट लिया था उन्होंने। और मुझसे भी उन्होंने यही कहा कि आप 3,500 में अच्छा टेंट ले सकते हो और 3 लोगों की कैपेसिटी का टेंट लीजिए क्योंकि 3 लोगों की कैपेसिटी वाले टेंट में 2 दिन बहुत ही आराम से कंफर्टेबली सो सकते हैं और इसमें अलग अलग कुछ वैरायटी भी आती है, 5,000 तक की भी वैरायटी आती है 3 लोगों के लिए। और मैंने उनसे पूछा कि 5,000 में क्या डिफरेंस होता है, तो उन्होंने मुझसे बताया कि ऊपर का जो भाग होता है टेंट में वो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो रात को सोते हो आप बिल्कुल अपने टेंट से तारों को देख सकते हो और जब सुबह होती है तो सूरज की रोशनी जो है सीधी सबसे पहले आपके टेंट के भीतर आती है जिससे आपकी नींद खुलती है। दोस्तों ये देख के, ये सोच के, ये महसूस करके, ये सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने ये डिसीजन लिया है कि बहुत जल्दी मैं बिग कैथलॉन में जाके एक टेंट भी खरीदने वाला हूँ और बहुत जल्दी अगली बार जब मैं बाइक राइडिंग करूँ तो साथ साथ मैं कैंपिंग भी करूँ
कोशिश करूंगा किसी दोस्त को साथ में लेके जाऊं, क्योंकि अकेले रात को किसी अनजान जगह पर रुकना आसान नहीं होता है। कोशिश करूंगा कि किसी को साथ में लेके जाऊं, अगर फिर भी कोई नहीं आता है तब भी मैं ये कैंपिंग करने वाला हूँ। मैंने ये फैसला कर लिया है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, और उसके ऊपर भी मेरा जो अनुभव रहेगा उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और पिछले भी जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वांद्री लेक के, वो वीडियो भी आपको अच्छा लगा है, उसके ऊपर बहुत अच्छा खूबसूरत रिस्पॉन्स मुझे मिला है, उसके भी आपने जो लाइक शेयर और उसके बाद में मैंने चैनल को जो सब्सक्राइब किया है, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। बस आप इसी तरीके से अपना प्यार जो है मुझे लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके देते रहिए, और मैं ऐसे ही आनंद फानंद में घूमते रहूँगा और वीडियो बनाते रहूँगा और आप तक पहुँचाते रहूँगा दोस्तों। बस आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये खंडाला लोनावला का वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो बस इस पर भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार फिर एक अच्छे लोकेशन के साथ में मैं आपको फिर एक नए ब्लॉग में, मोटो ब्लॉग में मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।